जयपुर के पापड़ वाले हनुमान जी में 104 दिन से चल रहा धरना आखिरकार खत्म हुआ। राज्य सरकार और वन विभाग ने प्राचीन पापड़ेश्वर महादेव मंदिर और पापड़ वाले हनुमान जी मंदिर के मार्ग को बंद कर दिया था। इस बात से नाराज श्रद्धालु न सिर्फ कई दिनों से धरने पर बैठे थे, बल्कि मंदिर में जाने के रास्ते को लेकर लड़ाई आर पार की हो गई थी। आपको बता दें कि 2500 साल पुराना पापड़ेश्वर हनुमान मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है। ये मंदिर डिप्यूटी सीएम दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में पड़ता है। 104 दिन के धरने के बाद वहां से नव निर्वाचित विधायक राजकुमारी दिया कुमारी आज घटना स्थल पर पहुंची और सभी साधु संतों और भक्तों को लड्डू खिलाकर आश्वासन दिलाया है कि ना तो रास्ता बंद किया जाएगा और ना ही किसी की धार्मिक भावना आहत होने दी जाएगी। सभी ने इस फैसले का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। गौरतलब है कि श्रद्धालुओं ने आरोप लगाते हुए कहा था कि राज्य सरकार और वन विभाग के अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, साथ ही भक्तों के आवागमन पर पाबंदी भी लगा दी गई है। मंदिर जाने वाले भक्तों को डराया धमकाया भी गया है, जिसके बाद आम जनता के साथ साथ साधु संत भी सड़क पर उतर आए थे। मंदिर समिति ने बताया कि ऐसा कहा गया है कि मंदिर जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी या फिर सरकार को शुल्क देना होगा। इसके खिलाफ मंदिर में विशाल जनाक्रोश सभा और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया था। वन विभाग ने मंदिर में जाने के रास्ते पर नींव की खुदाई कर दी थी, लेकिन श्रद्धालुओं ने वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ आवाज उठाकर उस कार्य को रुकवाया। इसके विरोध में पापड़ वाले हनुमान जी मंदिर के महंत राम सेवक दास महाराज के सानिध्य में बीते 104 दिन से धरना दिया जा रहा था। अब जाकर वन विभाग के विरुद्ध चल रहे इस धरने को विराम मिला है। मंदिर के संत महंत और श्रद्धालुओं की माने तो वन विभाग की ओर से पापड़ेश्वर हनुमान मंदिर के रास्ते को बंद करने के लिए एक तरफा कार्यवाही की जा रही थी। कई समय तक जिला प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया था, पर अब इस धरना समाप्ति की घोषणा के बाद इस समस्या का समाधान हो चुका है। संत समाज ने इतने समय तक साथ देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।